नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। आज एक बहुत अच्छी बातें आप सभी दरोगा पुलिस अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों के लिए बातें हैं कि हर विद्यार्थी अपने लक्ष्य की तलाश में, मंजिल की तलाश में आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी को अपने ही लक्ष्य पे, अपने ही कर्मों पे दुविधा होने लगता है, संशय होने लगता है और वो 98% विद्यार्थी बीच रास्ते में ही स्किप करके छोड़ देते हैं। उनके लिए मैं एक लाइन कहूँगा, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान किया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए शुरू करते हैं। आज आप लोग के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है और ये टॉपिक है 2021 से लेकर के 23 के बीच में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण ऑपरेशन। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है कि ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा है कि भारतीय नौसेना के द्वारा म्यांमार में सहायता के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में सहायता के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, कहां तो सूडान में फंसे। फिर कह रहा ऑपरेशन सद्भावना। तो ऑपरेशन सद्भावना एलओसी के पास ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों की मदद करने के लिए चलाया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि और ये एलओसी कहां, जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। फिर कह रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस NIA और ED के द्वारा PFI यानी पब्लिक पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध, है ना, देश में जो हिंसा फैला रहे थे उनके खिलाफ एक एक्शन लेने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है, ठीक है, उसमें मदद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन गरुड़ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ये चलाया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑपरेशन मेघ चक्र। तो ऑपरेशन मेघ चक्र बच्चों के बीच यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्कुलेट का पता लगाने के लिए ये चलाया जा रहा है। ऑपरेशन नारकोस तो नशीले पदार्थों के तस्करी को रोकने के लिए ये चलाया जा रहा है। फिर कह रहा है ऑपरेशन मिशन अमानत। तो ये आरपीएफ के द्वारा खोए हुए सामान को वापस दिलाने के लिए ये चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा है। फिर कह रहा ऑपरेशन ओलिविया ओलिव रिडले करके एक कछुआ की प्रजाति है उड़ीसा में, जिसको बचाने के लिए तटीय सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। फिर कह रहा ऑपरेशन सतर्क ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब तस्करी के लिए ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। फिर कह रहा ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय के द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये चलाया गया है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।